हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम करेंगे स्टोर लेजर अकाउंट का एक और मेथड जिसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, हमने लीफो फीफो एवरेज ऑलरेडी कर लिया है, आप उसे देख सकते हैं हमारे चैनल पर, हमारी प्लेलिस्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो ये वीडियोस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेटेड एवरेज मेथड। नाउ ये हमारा क्वेश्चन है गाइस, जिसमें हमें कहा गया है कि हम 1 जुलाई को ओपनिंग स्टॉक है हमारा 500 यूनिट जिसका प्राइस है 20 रुपीज़। 4 जुलाई को हमारा परचेज हो रहा है, 6 जुलाई को इशू हो रहा है। अगेन हमारा ये परचेज एंड इशू का ये ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं। नाउ हम इसको देखेंगे कि वेटेड एवरेज मेथड में कैसे करते हैं, ये कैसे ट्रेड करते हैं। नाउ यहाँ पे हमने परफॉर्मा ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सो ये आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डेट्स आती हैं, देन हमारा रिसिप्ट इशू एंड बैलेंस का कॉलम होते हैं जिसको हम 3 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ये सेम होता है हमारा इशू में भी और बैलेंस में भी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज 1 जुलाई को हमारा ओपनिंग स्टॉक है 500 यूनिट का 20 रुपए के हिसाब से। नाउ 1 जुलाई, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक है तो यानी हमारा रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, इश्यू में भी कुछ नहीं आएगा, बट बैलेंस में आएगा। हमारा क्वांटिटी इज 500, रेट है हमारा उसका 20, एंड इन दोनों को डिवाइड करके हमारा अमाउंट आएगा 10,000। उसके बाद हमारी एंट्री है 4 जुलाई की, जो हमने परचेज किया है 400 यूनिट 21 रुपए के हिसाब से। नाउ 4 जुलाई परचेज हुआ है तो 400 यूनिट हमारा रिसिप्ट में आ गया और कितने के हिसाब से है, 21 रुपए के हिसाब से। नाउ इसको अगर आप इनटू करोगे तो ये आएगा आपका 8,400। इशू कुछ भी नहीं है। अब जो चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है देखने की, तो 500 यूनिट मेरे पास ऑलरेडी थे, 400 मैंने परचेज कर लिए तो ये हो गए हमारे टोटल 900। 10,000 हमारा ऑलरेडी अमाउंट था, 8,400 ऐड हो गया तो ये हो जाएगा 18,400। अब इसका बैलेंस कैसे निकलेगा वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। वेटेड एवरेज में बैलेंस निकलता है अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करके। 18,400 को अगर मैं डिवाइड करूँगी 900 से तो ये मेरे पास आएगा 20.444। तो मैं यहाँ पे अमाउंट लूँगी 20.44 एंड 4। मैं उसको आगे ज़्यादा नहीं लेगी, आप चाहे तो 2 डिजिट्स तक ही ले सकते हो, बट हम 3 ले रहे हैं। नाउ जो नेक्स्ट एंट्री है वो है 6 जुलाई को इशू हो रहे हैं 600 यूनिट, तो ये आ जाएगा हमारा 6 जुलाई को इशू में हमारा 600 यूनिट। अब जो ये 600 यूनिट का प्राइस है वो ये वाला आएगा जो हमारा प्रीवियस में था, जो कि है 20.444। अब आप इसको इनटू करोगे क्वांटिटी और रेट को, सो यू विल हैव 12,267। अब क्वांटिटी 900 में से मैंने 600 इशू कर दी तो मेरे पास 300 बची, और अमाउंट 18,400 में से ये आपने माइनस कर दिया 12,667, तो आपका अमाउंट बचेगा यहाँ पे 6,133। अब अगेन आपको यही करना है, 6,133 को डिवाइड करेंगे आप 300 से, आपके पास आ गया 20.443। तो ये हमारा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, यहाँ हमारा अमाउंट आ जाएगा 20.443 है। हम आपको इसको 4 राउंड कर ले रहे हैं। नाउ 6 जुलाई के बाद जो हमारा है वो है 8 जुलाई को परचेज हो रही है 800 यूनिट्स 24 के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 8 जुलाई को परचेज में हमारा जाएगा जो कि 800 यूनिट 24 के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 19,200। अगेन इश्यू में कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक। अब 300 प्लस 800 ये हमारा हो जाएगा 1,100 यूनिट, और अमाउंट मेरा आ जाएगा यहाँ पे 19,200 को इसको और इसको प्लस करके जो हमारा ऑलरेडी था ये हो जाएगा 25,333। नाउ अगेन सेम प्रोसीजर, अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करके रेट आएगा जो कि हमारा आ जाएगा 23,030। नाउ
8 जुलाई के बाद 9th ऑफ जुलाई को इश्यू हो रहे हैं 500 यूनिट. 9th ऑफ जुलाई इश्यू हो रहे हैं 500 यूनिट. तो हमारा प्रीवियस अमाउंट क्या है यहाँ पे 23.030, तो यही यहाँ पे आएगा 23.030. अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 11,515 रुपीस. और क्वांटिटी जो बैलेंस में अब मेरा 1100 थी पहले, अब मैंने 500 इशू कर दी तो मेरे पास कितना बचा 600 क्वांटिटी बची मेरे पास. और अमाउंट 25,333 में से मैंने 11,515 इशू कर दिया तो मेरा अमाउंट यहाँ पे बचा 13,818. अब सेम प्रोसीजर, इसको हम डिवाइड करेंगे 600 से, सो मेरा आ जाएगा 23,030. अगेन सेम आ रहा है मेरा, ठीक है. नाउ 9th जुलाई के बाद है हमारा 13th जुलाई को दोबारा इशू हो रहा है 300 यूनिट, यानी 13 जुलाई अगेन इशू हो रहा है 300 यूनिट. तो 300 यूनिट प्राइस क्या था हमारा पिछला 23.030. अगेन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आएगा 6,909. अब 600 में से 300 मैंने इशू कर दिए तो मेरा बचा यहाँ पे 300 यूनिट्स. और अमाउंट कितना बचा 13,818 में से मैंने अगेन इतना इशू कर दिया 6,909 रुपीस. तो यहाँ पे मेरा अमाउंट बचेगा 6,909 रुपीस, यानी सेम बच रहा है, उतना ही बच रहा है. अब इस अमाउंट को मैं क्वांटिटी को डिवाइड करूँगी तो मेरा रेट जो आएगा वो आएगा 23.030, यानी सेम आ रहा है पहले जैसा ही, ठीक है. ज़रूरी नहीं है ये सेम आए, बट हमारा सेम आ रहा है इस क्वेश्चन में. नाउ 24 जुलाई को हमारा परचेज हो रहा है अगेन 500 एट द रेट 25. नाउ 24 जुलाई को परचेज हो रहे हैं 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25. तो ये मेरा अमाउंट हो गया 12,500, ठीक है. इशू में कुछ भी नहीं जाएगा. अब यहाँ पे 300 यूनिट ऑलरेडी थे, 500 और खरीद लिए तो यहाँ आ गए 800 यूनिट्स. नाउ अमाउंट पहले मेरा था इतना 6,909 प्लस 12,500, तो ये मेरा हो जाएगा 19,409. अब अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 24.261. ओके नाउ अगेन 28 जुलाई को हम इशू कर रहे हैं 400 यूनिट. 28th ऑफ जुलाई को इशू हो रहे हैं 400 यूनिट्स. अब ये पिछला अमाउंट हमारा क्या था बैलेंस में, वो था 24.261, ठीक है. तो हमारा इशू भी इसी प्राइस पे होगा. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 9,705 रुपीस. अब 800 में से मैंने 400 इशू कर दिए तो ऑलरेडी मेरे पास 400 अब बैलेंस बचा. और इस अमाउंट में से 19,409 में से मैंने 9,705 का इशू कर दिया है तो मेरा बैलेंस जो है वो बचेगा 9,704. नाउ अगेन अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 24.261. ओके तो ये हमारी एंट्रीज थी, 28 जुलाई हमारी लास्ट एंट्री थी. तो ये होता है वेटेज एवरेज मेथड, ठीक है. एवरेज मेथड भी हमने कर लिया था, ये काफी ज्यादा उससे थोड़ा बहुत सिमिलर आप कह सकते हो. जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपका क्वांटिटी और अमाउंट प्लस होता जाएगा अगर रिसिप्ट हो रहे हैं, और इशू हो रहा है तो माइनस होता जाएगा. और रेट जो है अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करने पे आएगा, ठीक है. तो वही रेट जो यहाँ पे बैलेंस में आएगा उसी से हम इशू करेंगे, ठीक है. नाउ ये था हमारा वेटेड एवरेज मेथड. आई होप आपको ये समझ आया हो. प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अगर आपको ये टॉपिक सही लग रहा है या फिर ये वीडियो अच्छी लगी. एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.